यार तुम्हें नहीं लगता कि वैलेंटाइंस डे की एक्विटी दिन ब दिन डाउन होती जा रही है? इस बार कोई बज ही नहीं है। वैलेंटाइंस डे की नहीं, तुम्हारे प्यार की एक्विटी डाउन होती जा रही है। तुम्हारी उम्र हो रही है। तुम कहना क्या चाहती हो, मैं बूढ़ा हो गया हूँ? यस मिस्टर अभिमन्यु चौहान, यू आर गेटिंग ओल्ड। एक्सक्यूज मी, मैं बूढ़ा नहीं, मैच्योर हो गया हूँ, समझदार हो गया हूँ। वेस्टर्न कल्चर ने जो इतने सालों से मुझे अपने चंगुल में जकड़ के रखा था ना, उन बेड़ियों को तोड़कर मैं आजाद हो गया हूँ। राइट, यू मीन इस साल मुझे वैलेंटाइंस पर तुमसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए? यस, बिकॉज एक्सपेक्टेशन इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ वेस्टर्न कल्चर। वैलेंटाइंस डे पे कितना प्रेशर होता है यार, कुछ स्पेशल करना है, बाहर लेकर जाना है, गिफ्ट लेकर देना है, सरप्राइज प्लान करना है, और तो और पहले जो किया उसे रिपीट नहीं करना है। टू मच प्रेशर है। और भारतीय संस्कृति में देखो ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ता है, नो प्रेशर एट ऑल। भारतीय संस्कृति में वैलेंटाइंस डे कहाँ होता है? अरे करवा चौथ होता है ना, सेलिब्रेशन ऑफ लव का दिन ही तो होता है करवा चौथ भी। उस दिन कितनी सरलता और सादगी से, अपनी मर्जी से, बिना किसी प्रेशर के हम अपने पार्टनर के लिए सब कुछ करते हैं, और वैलेंटाइंस डे में सब कुछ मजबूरी में करना पड़ता है यार। मैंने उसको बोला सुन बाप से झूठ मत बोल, एक मिनट में सब सच उगल दिया उसने। सुन मैं करता हूँ तुझे। क्या हुआ बेबी, आज तुम कुछ डिफरेंट लग रही हो। हाँ, क्योंकि आज कल तुम मेरे लिए बहुत इनडिफरेंट हो गए हो। व्हाट? कल रात कहाँ थे तुम? अरे कहाँ था मतलब, घर पे ही तो था। तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो? लेकिन प्रॉमिस डे पे तुमने मुझे प्रॉमिस किया था तुम 11 बजे तक वापस लौट आओगे, लेकिन तुम नहीं आए, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल किया, लेकिन तुमने मेरा कॉल नहीं उठाया, और उसके बाद मैंने तुम्हें वापस कॉल किया, लेकिन तुम्हारा फोन स्विच ऑफ हो गया। टेल मी द ट्रूथ समीर, तुम मुझे अवॉइड कर रहे थे ना, किसके साथ थे? अरे बेबी तुम मुझ पे शक कर रही हो, दैट टू ड्यूरिंग दिस ऑस्पिशियस वैलेंटाइंस वीक। देखो तुम्हें पता है ना आज किस डे है, कम गिव मी अ किस बेबी। मैं तुम्हें किस डे पे किस क्यों करूं जब प्रॉमिस डे पे तुम किसी और के साथ थे? व्हाट, मैं किसके साथ था? वो तुम मुझे बताओगे ना कि तुम किसके साथ थे? चक्कर चल रहा है तुम्हारा, कौन है वो? अरे सुना, कुछ भी बोलना लेकिन मुझसे झूठ मत बोलना, टेल मी द ट्रूथ, किसके साथ थे तुम? मैं अभिमन्यु के साथ था। क्या, तुम और अभिमन्यु? अरे नहीं, मैं और अभिमन्यु नहीं बाबा, we were just hanging out together, friends की तरह, not as valentines। अच्छा, पक्का तुम अभिमन्यु के साथ थे? क्या सबूत? अरे सुना मैं झूठ क्यों बोलूंगा, सच में सुना तुम ना अभी डिटेक्टिव सोना लग रही हो। समीर, पक्का तुम अभिमन्यु के साथ थे? 100%। तो ठीक है, उसे कॉल करो और स्पीकर पे लगाओ। Are you sure? I mean, थोड़ा अजीब नहीं हो जाएगा उसको इस तरह फोन करना? क्यों, वो तुम्हारा दोस्त है ना, यू कैन कॉल योर फ्रेंड एनी टाइम। चलो कॉल करो, स्पीकर पे लगाओ। हाँ समीर बोल। हाँ अभी सुना, वो रेस्टोरेंट का नाम क्या था जहाँ हम कल गए थे? गोल्डन लीफ, भूल गया क्या तू? हाईवे से चका लगा लेफ्ट मारा था हमने, फिर तीन सिग्नल छोड़कर आ गया था मैं गोल्डन लीफ। हाँ यस यस गोल्डन लीफ। अरे क्या खाना था यार, जबरदस्त। सीरियसली डूड, वो मलाई कोफ्ते तो अमेजिंग थे यार, पर तूने मुझे पैसे नहीं देने दिए यार। दैट्स नॉट फेयर, नेक्स्ट टाइम इट्स माय ट्रीट। ओके चल बाय। चल सी यू बाय। बस खुश हो गया विश्वास? खामखा मुझ पे शक करती रहती हो। बेबी तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारे अलावा मेरी लाइफ में ना कोई है ना कोई होगा। सॉरी। इट्स ओके, इट्स ओके सोनाक्षी। हेलो। अरे थैंक यू थैंक यू थैंक यू भाई, बचा लिया तूने आज मुझे, इसे मानना पड़ेगा तुझे। अरे मेरी तो फट गई थी यार। पर तूने क्या संभाला है ब्रो, पर तुझे पता कैसे चला था शी वाज लिसनिंग? अरे सिंपल था यार, मुझे पता चल गया था कि तेरा फोन स्पीकर पर है, पंखे की इतनी आवाज आ रही थी, और तू मुझसे ऐसा सवाल क्यों पूछेगा कल हम कौन से रेस्टोरेंट में गए थे। वैसे कहाँ थे जनाब? अरे छोड़ना यार, बड़ा हो यू वन ब्रो। ऑफ कोर्स गोल्डन लीफ में एक डिनर। चल सी यू बाय। यार आज वेदर बहुत अच्छा है ना?
हेलो, कहाँ खो गई मैडम? तेरी कॉफी भी ठंडी हो गई। अरे मुझे समीर के लिए वैलेंटाइंस डे पे कुछ स्पेशल करना है, बट आई डोंट नो व्हाट टू डू। तुम मुझे कोई आइडिया दो ना, समथिंग यूनिक, समथिंग डिफरेंट। पर तुझे कुछ डिफरेंट, कुछ यूनिक करने की क्या जरूरत है? वो करेगा ना, इट्स वैलेंटाइंस डे, द बॉल इज इन हिज कोर्ट, लेट हिम थिंक। सोचा तो मैंने यही था, पर मुझसे एक गलती हो गई। कैसी गलती? मैंने उस पर शक किया और वो शक गलत निकला। कल रात को वो लेट आया था तो मुझे लगा कि वो कहीं और है, कहीं और मतलब किसी और के साथ, यू नो व्हाट आई मीन ना। बट आई वाज सो स्टूपिड, एक्चुअली वो अभी के साथ था, दोनों गोल्डन लीफ रेस्टोरेंट में डिनर साथ में कर रहे थे, और पता नहीं मैंने क्या क्या सोचा, आई एम सो डम। वो कल गोल्डन लीफ में अभी के साथ था? क्यों, अभी ने तुम्हें नहीं बताया? नहीं, आई मीन मैं उसे कभी पूछती नहीं हूँ कि कहाँ जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, कब तक वापस आओगे। आई मीन इतना ट्रस्ट तो होना चाहिए ना। एग्जैक्टली, मुझे भी तुम्हारी तरह बनना है, लेकिन मुझसे हो ही नहीं पाता। आई एम सो शकी, आई डोंट नो व्हाट टू डू अबाउट इट, आई एम वर्किंग ऑन इट मतलब, बट कल रात को कहाँ थे तुम? क्रिकेट खेलने गया था मैं। पक्का? ऑफ कोर्स, क्यों, क्या हुआ? और कौन कौन था तुम्हारे साथ? बहुत सारे लोग थे, शरद था, राहुल था, संजय था। संजय को कॉल करना जरा। क्यों और क्या पूछूं? कुछ भी पूछो, आई जस्ट वॉन्ट टू कन्फर्म कि कल रात तुम उसके साथ खेल रहे थे। और हाँ, फोन स्पीकर पे रखना। ओके। हाँ ब्रो बोल। अरे यार संजय, वो कल जहाँ हम खेलने गए थे उस टफ का क्या नाम था? हमेशा जीतो टफ। अरे हाँ यार। अरे भाई कल क्या खेला तू यार, मजा आ गया, छक्के छक्के छुड़ा दिए। सीरियसली यार, कल तो बल्ला मस्त चल रहा था मेरा। एनीवे नेक्स्ट वीक फिर से मिलते हैं, ओके? ऑलराइट बाय। चल बाय। ये संजय झूठ बोल रहा है, कल रात तुम इसके साथ खेल नहीं रहे थे, मलाई कोफ्ते खा रहे थे समीर के साथ। सोनाक्षी ने मुझे सब कुछ बता दिया है, ओके? पर मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि अगर तुम समीर के साथ थे कल रात को तो तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हो? मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ मीरा, मैंने सोनाक्षी से झूठ बोला है। Denied. क्यों? अरे क्योंकि समीर ने सोनाक्षी से कहा कि मैं उसके साथ था तो था। मतलब? अरे बोलो, I want to know. अच्छा इधर आओ, बताता हूँ तुम्हें। लेकिन मीरा प्लीज, ये बात ना हम दोनों के बीच में रहेगी, ओके? ओके। हम मर्दों का ना एक सीक्रेट कोड होता है, हमने सॉर्ट ऑफ एक शपथ ली है कि हम चाहे किसी भी सिचुएशन में फंस जाएं, चाहे वो बीवी के साथ हो, गर्लफ्रेंड के साथ, या फिर पेरेंट्स, टीचर्स, बॉस, नेबर्स, किसी के साथ भी, हम एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहेंगे बिना कोई सवाल पूछे। एंड दैट सीक्रेट कोड इज कॉल्ड द ब्रो कोड। आई डोंट बिलीव दिस। तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम्हारा कोई भी दोस्त तुम्हारे लिए कितना भी बड़ा झूठ बोलने के लिए तैयार होगा? हाँ। अच्छा, देन प्रूव इट। किसी ऐसे दोस्त को फोन करो जो तुम्हारे साथ कल नहीं था। ओके, मैं रोमित को कॉल करता हूँ, लाइव डेमो देता हूँ। ओके, और हाँ, उसे कोई भी हिंट मत देना। इनफैक्ट उससे ये पूछो कि वो कल रात को कहाँ था। ओके। इट्स रिंगिंग। या, आई कैन हियर। हेलो। मेरी याद कैसे आ गई? अच्छा रोमित एक बात बता, कल रात तू कहाँ था? तो पता ही है ना, तेरी क्लास लग रही है ना, एंड आई एम ऑन स्पीकर। हाय मीरा। हेलो। या हाय हाय रोमित। वो बेचारे को परेशान कर रही हो, इज अ नाइस गाय, मेरे साथ ही था। ओके बाय ब्रो, थैंक यू। Can't believe this. मतलब कल रात को तू कहाँ था, इतने specific question का इतना generic जवाब कैसे दिया उसने?
क्योंकि इतना स्पेसिफिक क्वेश्चन मैंने उससे आज तक जिंदगी में कभी नहीं पूछा कि कल रात तू कहाँ था। और जब कोई इतना स्पेसिफिक क्वेश्चन या अटपटा सवाल हमसे पूछता है ना, तो हमारे एंटेना खड़े हो जाते हैं। What do you mean एंटेना खड़े हो जाते हैं? मतलब कि उस स्पेसिफिक क्वेश्चन से हम उसकी स्पेसिफिक सिचुएशन समझ लेते हैं। Oh God. चलो मान लिया कि तुम तो कल रात को टर्फ पर खेल रहे थे, पर समीर कहाँ था? समीर मेरे साथ गोल्डन लीफ में था। हाँ, लेकिन वो तो झूठ है ना, सच क्या है? झूठ नहीं है मीरा, सोनाक्षी की रियलिटी में समीर मेरे साथ गोल्डन लीफ में डिनर कर रहा था। अब वो अपनी रियलिटी में क्या कर रहा था उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? एंड यू आर ओके विथ इट? या ऑफ कोर्स। वाह मीरा वाह, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। वहां सोनाक्षी का रिश्ता सच और झूठ की खाई के बीच में झूल रहा है और तुम यहां बैठकर चैन से झुला झुला के अंगूर खाए जा रही हो। वाह तुम अरे क्या तुम लगा रखा है? तुम और मैं और तुम, हम दोनों एक ही है। मैं तुम्हारी ही अंतरात्मा हूं और कसम तुम्हारी, आज मुझे इतनी शर्म आई कि मुझे तुम्हारे अंदर से बाहर आना ही पड़ा। सोनाक्षी तुम्हें अपनी बहुत अच्छी दोस्त समझती है। आई नो, और मैं भी उसे अपनी बहुत अच्छी दोस्त समझती हूँ। बस अब और झूठ मत बोलो तुम मुझसे। अगर तुम उसे अपनी सच में अच्छी दोस्त समझती ना, तो तुम उसे सब कुछ सच सच बता देती। पर कैसे बताऊं? अभी मुझे ट्रस्ट करता है, इसीलिए तो उसने अपना ब्रो कोड वाला सीक्रेट मुझे बताया। एंड व्हाट अबाउट सिस कोड? ये तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम समीर के झूठ का पर्दाफाश करो। वो मामला उन दोनों के बीच का है, इट्स बेटर अगर उसके बीच में कोई तीसरा इंटरवीन ना करे। अच्छा, सो नाउ यू आर वन ऑफ द बॉयज। हाँ, तुम भी अब बिल्कुल उन लड़कों जैसे ही सोचने लगी हो। अब तुम्हें भी झूठ से कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मैंने कोई झूठ नहीं बोला है। हाँ, लेकिन सच ना बताना भी झूठ बोलने के बराबर ही होता है मीरा। उसे तुम्हारी जरूरत है मीरा। देखो, जैसे उन लड़कों के पास पावर है ना ब्रो कोड का, वैसे ही तुम्हारे पास भी सिस कोड का पावर है और तुम्हें उस पावर का इस्तेमाल करना चाहिए और तुम्हें अपनी दोस्त को आगाह करना चाहिए, उसे वार्न करना चाहिए, तुम्हें उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए, तुम्हें उसे चेतावनी देनी चाहिए कि कैसे उसके रिश्ते की पवित्र डोर पर झूठ की गांठें पड़ने लगी है। You're right. You're absolutely right. सिस कोड जिंदाबाद, ब्रो कोड मुर्दाबाद, सिस कोड जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद।